नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2022 के महीने की बंपर भर्तियों के बारे में, जो कि सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने जुलाई के महीने में बंपर भर्तियां आ चुकी है। लगभग 2 लाख पदों पर ये भर्तियों की सूचना जारी हो चुकी है, जो कि रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट, इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट से भर्तियों की सूचना जारी चुकी है। दोस्तों तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप कक्षा 8वीं पास हैं, 10वीं कक्षा पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं किसी भी विषय के अंतर्गत, तो आप सभी अभ्यर्थी जो हैं भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जरूर कीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2022 में, अगर आप बेरोजगार हैं, कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक पास हैं, फिर भी अगर अभी तक आपको एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम आपको बताएंगे कैसे मिलेगी आपको एक सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार बंपर भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों ये जो भर्ती निकाली जा रही है जुलाई 2022 के महीने में, ये पूरे भारत से भर्ती निकाली जा रही है, ऑल इंडिया की जॉब है। यानी कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी महिला और पुरुष, लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती है। 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए महिला और पुरुष सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इन भर्तियों की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको सरकारी today.news.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, भर्तियों की जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहें तो दोस्तों गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एक करके आपको भर्तियों की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती की, जो निकाली जा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सरकारी नौकरी की। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक सरकारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो पद जारी किए गए हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पद है, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। 400 पदों पर यह बड़ी भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिसके लिए केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सैलरी आपको 40,000 से 1,40,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी और यहाँ पर पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। उम्र सीमा जो है अधिकतम 27 साल है, आईसीयू में छूट है सरकार के नियमानुसार, और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 1,000 है, SC ST फीमेल के लिए 81 है, PW के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप बैचलर डिग्री पास है इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप सभी अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके आवेदन जो है 15 जून से 14 जुलाई तक चलेंगे। 14 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती है, दूसरे नंबर की भर्ती है, जो कि आसाम राइफल की तरफ से है। यहाँ पर जो पद जारी किए गए हैं ट्रेड्समैन के पद हैं। वैकेंसी डिटेल्स में आप देख सकते हैं हवलदार की पद है, और यहाँ पर वनांत के ऑफिसर के पद हैं, राइफलमैन के पद हैं, नायब सूबेदार के पद हैं, क्लर्क के पद हैं, जिसके लिए महिला और पुरुष सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों पर भर्ती है, बंपर भर्ती है। 1,380 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं और चयन प्रक्रिया में PMT PET होगा, रिटर्न एक टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा। सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलेगी। वहीं उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 23 साल है, आईसीयू में छूट है सरकार के नियमानुसार। आवेदन शुल्क जो है ग्रुप बी के लिए 200 रुपए है, ग्रुप सी के लिए 100 रुपए है, और यहां पर पेमेंट केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और कक्षा ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। वहीं दोस्तों इसके आवेदन जो है आप देख सकते हैं 6 जून से 20 जुलाई तक चलेंगे। 20 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर की जो भर्ती है वो है NPCIL की तरफ से, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर 177 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर आप देखते हैं इलेक्ट्रीशियन के पद हैं, फिटर के पद हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं, वेल्डर के हैं, पंप ऑपरेटर के हैं, काफी सारे पद हैं। अप्लाई केवल आपको ऑफलाइन करना होगा बाय पोस्ट ही। सैलरी आपको 7,700 से 8,855 रुपए प्रतिमाह स्टाइफंड मिलेगा। यहां पर जो उम्र सीमा है कम से कम 14 है, अधिकतम जो है 24 साल है। योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, ITI पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन जो है
10 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो आपके सामने है, जो कि निकाली जा रही है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की तरफ से। यहां पर जो पद जारी किया गया है फंक्शन मैनेजर, मैनेजर का पद है यानी कि फंक्शनल मैनेजर के पद जारी किए गए हैं। कुल मिला के 8 पदों पर यह भर्ती है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। सैलरी आपको 35,400 रुपए प्रतिमाह मिलेगी। उम्र सीमा जो है 18 से 37 साल है। योग्यता की बात करते हैं तो यहां पर आप हैं ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और यहां पर आवेदन जो है 7 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अगली जो भर्ती निकल कर आ रही है वो आप देखते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से है, आईटीबीपी की तरफ से है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं ऐसा स्टेनोग्राफर के पद है। कुल मिला के 38 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए केवल आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। डिफेंस की जॉब है, सैलरी आपको 25,500 से 81,100 रुपए प्रतिमा मिलेगी और पूरे भारत से महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है 18 से 25 साल है और आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आवेदन शुल्क है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 8 जून से 7 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अगले नंबर की जो भर्ती है वो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, सीजीपीएससी की तरफ से। पियोन के पद पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल मिलाकर 91 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सैलरी आपको 25,500 से 81,100 रुपए प्रतिमा मिलेगी। प्रक्रिया इस पर रूस रहेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार और आवेदन शुल्क जो है सभी के लिए 30 रुपए है और फॉर्म करेक्शन की जो फीस है 100 रुपए रहेगी। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो केवल 8वीं कक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। वहीं दोस्तों इसके आवेदन जो है 8 जून से लेकर के 2 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती की सूचना निकल कर आ रही है जो कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं माइंस इंस्पेक्टर के पद जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 55 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया इस पर रोज से, सैलरी आपको लगभग 45,000 से 1,42,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। यूपी इंडिया की जॉब लोकेशन है। आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 है, एससी एसटी के लिए 65 है और पीएच के लिए 25 है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप डिप्लोमा पास है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके आवेदन जो है 4 जून से 1 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती की सूचना निकल कर आ रही है जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से है। जी हां दोस्तों, डीडीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर जो पद है अलग अलग है, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद है, जूनियर इंजीनियर के हैं, प्रोग्रामर के हैं, जूनियर ट्रांसलेटर के हैं और प्लानिंग असिस्टेंट के पद हैं। कुल मिलाकर 279 पद यहां पर जारी किए गए हैं जिसके लिए आवेदन केवल ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं, महिला और पुरुष सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 35 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार और आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो यहां पर डिप्लोमा या फिर डिग्री पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जारी हो चुका है। यहां पर आवेदन जो है आप देख सकते हैं 11 जून से 10 जुलाई तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। और दोस्तों इसके एग्जाम जो है 1 से 30 सितंबर तक चलेंगे। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे की एक और महाभर्ती की जो निकाली जा रही है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है। मैकेनिस्ट के पद है, वेल्डर के पद है, डीजल मैकेनिक के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के पद हैं, कारपेंटर के हैं, प्लम्बर के हैं, पेंटर के हैं, काफी सारे पद हैं। कुल मिलाकर 5,636 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सैलरी आपको इस पर रोज मिलेगी। चयन प्रक्रिया में आपका केवल मेरिट के आधार पर चयन होगा, आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। उम्र सीमा जो है 15 से 24 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो आवेदन शुल्क मांगे जाने हैं जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन जो है 30 जून तक चलेंगे, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है जो कि यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं पंचायत सहायक एंड अकाउंट कम डी
सीईओ के पद जारी किए गए हैं। 2783 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए दोस्तों केवल आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा बाय पोस्ट ही। चयन प्रक्रिया में केवल आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा। सैलरी आपको 6000 रुपए प्रतिमा मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 40 साल है। आई सीमा में छूटे सरकार के नियमानुसार। आवेदन शुल्क जो है बिल्कुल फ्री है सभी अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पर योग्यता जो है कक्षा 12वीं पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 28 जून तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई और बंपर भर्ती आ चुकी है जो कि आईबीपीएस की तरफ से है, बैंक की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की तरफ से आ चुकी है बंपर भर्ती। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं आरआरबी क्लर्क और पीओ के पद जारी किए गए हैं। जैसा कि आप दोस्तों देखते हैं 8108 पदों पर बंपर भर्ती की सूचना जारी की गई है। यहां पर ऑफिस असिस्टेंट के पद हैं, ऑफिस स्केल के पद हैं, ऑफिसर के पद हैं, लो ऑफिसर के पद हैं, मार्केटिंग ऑफिसर के पद हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पद हैं। लगभग आप देख सकते हैं 8000 से अधिक पद यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं महिला और पुरुष से, ठीक है। बैंक की जॉब है, चयन प्रक्रिया में प्री और मेन आपका एग्जाम लिया जाएगा। सैलरी आपको इस पर रोज मिलेगी। जॉब लोकेशन पूरे भारत की है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। और आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 850 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 175 है। पेमेंट केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसके आवेदन जो है 7 जून से 27 जून तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों ये थी आज की बंपर भर्तियों की जानकारी। कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।